और आज के डेट में भी अबर भी जो है हम 3-4 साल से है पूरे क्षेत्र में जनता का सुख दुख में जा रहे हैं। कभी हमने जनता के पास ये नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़, हम सदैव सेवा के भावना से है कि क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्होंने मार्च में जो है आपको बुला के हमें कहा कि बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट मिला है, सर्वे हुआ है, आपको हम लोग है कि संसदीय दल का बैठक में हमने तय कर लिया है कि आपको अबर लोकसभा नवादा चुनाव लड़ना है। लेकिन आयन क्षण पर है किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसे नवादा जिला के वासी हर एक अच्छी तरह से बच्चा बच्चा जानता है कि उनका चाल क्या है, चरित्र क्या है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया एवं पत्रकार बंधुओं को स्वागत करते हैं और आपके सभी चैनल और पत्रकार न्यूज सभी के माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र का जनता को संदेश देना चाहते हैं कि ये जिला का विकास और जिला का अस्मिता की लड़ाई है और वैसे व्यक्ति को भी चिन्हित करना कि जो बराबर एंड कैन प्रकरण से है बाहरी व्यक्तियों को जिताने का काम करते हैं, वैसे को चिन्हित करके उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देने का ज़रूरत है। नवादा के जिला का जनता है, जाग चुका है और सब चीज़ समझ चुका है कि बराबर हम लोग ठगे जा रहे हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपको बगल में आपको नालंदा जिला है और उसके पड़ोसी हम लोग नवादा जिला पढ़ते हैं। विकास के मामले में देखा जाएगा तो चाहे नौकरी हो, चाहे रोड हो, पुल हो, भवन हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसी भी मामले में आसमान ज़मीन का अंतर हम लोग है। नवादा जिला इतना पिछड़े हुए हैं, आसमान ज़मीन का अंतर है। और आगे आप लोग को कोई भी प्रश्न होगा उसको पूछ सकते हैं। एक सवाल है, कौवा कोल में बोले हैं कि एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए जबकि हम गरीब का बेटा को जोड़ना चाहते हैं, दूसरे जाति को जोड़ना चाहते हैं, बोला गया कि एक बार बार सब एक ही परिवार का कहां बात। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता है वोट देके किसी को चुनता, किसी का टिकट देने से नहीं चुनता। टिकट तो है जिसको दिया गया है, उसको कई एक पार्टी ने कई बार दिया, कहाँ जीता, जनता ने उसे नहीं चुना। और आज के डेट में भी अबर भी जो है हम 3-4 साल से है पूरे क्षेत्र में जनता का सुख दुख में जा रहे हैं। कभी हमने जनता के पास ये नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़, हमारा पूरा परिवार का ही पेशा ही है जनता का सेवा करना, जनता मालिकों का, हम सदैव सेवा के भावना से है कि क्षेत्र में घूम रहे थे। लेकिन उनको जो है कि फीडबैक है यहाँ नवादा के जिला का जनता से मिला, उन्होंने मार्च में जो है आपको बुला के हमें कहा कि बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट मिला है, सर्वे हुआ है, आपको हम लोग है कि संसदीय दल का बैठक में हमने तय कर लिया है कि आपको अबर लोकसभा नवादा चुनाव लड़ना है। हम कहे आप गार्जियन है, आपका आदेश होगा, लड़ेंगे। लेकिन आयन क्षण पर है किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसे नवादा जिला के वासी हर एक अच्छी तरह से बच्चा बच्चा जानता है कि उनका चाल क्या है, चरित्र क्या है। जो व्यक्ति कब्रिस्तान का जमीन को कब्जा कर सकता है, आपको सब्जी बेचने वाले से चुंगी वसूल सकता है, वो जिला का विकास क्या करेगा। सदैव है कि वो गरीबों का शोषण किया और उसको जब कब्रिस्तान का जमीन कब्जा कर सकता है तो उसको यदि जो मौका मिलेगा तो किसी का घर भी कब्जा करेगा वो। और परिवार की बात है तो परिवार में हमारा परिवार का नहीं कुछ अच्छी है, हमें हमारा परिवार को आज तक जनता मालिकों ने नवादा जिला का है चुनते आया परिवार। एक मिनट सर, परिवार परिवारवाद की बात यदि जो लाइएगा तो उसमें सबसे पहले तेजस्वी जी आते हैं। परिवारवाद की बात कीजिएगा तब हमें टिकट कब मिला। हम तो है कि शुरू में हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे, वो बीजेपी से यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे, उन्होंने पहला बार इतिहास रचा बीजेपी को। उससे पहले इतिहास है कि बीजेपी को कोई तोड़ने वाला माइका लल नहीं हुआ। हमारे ज्येष्ठ भ्राता ने है कि बीजेपी को 13 MLA को तोड़ के और लालू जी उस समय जनता दल था उनकी सरकार को बचाने का काम किया। उसके बाद है कि राष्ट्रीय जनता दल का कि गठन हुआ है, तब उसके बाद है, तुरंत बाद ही है हमारे दूसरे बराता जो है राजवल्लभ प्रसाद जी जो हुए
उनको है कि टिकट दे के, कुछ लोग है कि मतलब फ्रॉडी लोग मर्द के रूप में बुर्का पहन के पटना में बैठ गए और टिकट कटवाने का काम किए, उसका भी नवादा जिला का जनता ने है रिकॉर्ड टोल मटोल से जिता के। और कोई भी सभी राष्ट्रीय पार्टी सहित सभी निर्दलीय का जमानत जब्त करते हुए है रिकॉर्ड टोल मटोल से जिताने का काम किया। और वहाँ भी उस समय भी जब लालू जी को जरूरत पड़ा तो वहाँ जाके भी है कि उनको उनका आशीर्वाद राजवलन जी बड़े भाई लेने का काम किया। और तो हमें टिकट कब मिला, हमारे परिवार को टिकट कब मिला, हमें सदैव नवादा जनता मालिकों ने जिताया। तो ऐसा क्या है कि आप लोग आरजेडी में ही जाना चाहते हैं दोबारा फिर, क्या जबकि आरजेडी के आरजेडी में उसका बता देते हैं। आरजेडी में तेजस्वी जी क्या है, लालू जी का पुत्र होने के नाते तेजस्वी जी आरजेडी में है और उनका आरजेडी में उनका खून पसीना नहीं लगा हुआ है। आरजेडी में हमारा पूरे परिवार का 3500 बरस से खून पसीना लगा हुआ है। तो हमारा हक है, हमारा पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का हक है। कोई हमारा घर से बेदखल करना चाहेगा तो बेदखल हो जाएंगे क्या? जाना नहीं चाहते हैं, वो मेरा पार्टी है, हमारा पार्टी है नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का, हमारा पूरे परिवार का हमारा खून पसीना लगा हुआ है, नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का खून पसीना लगा हुआ है। विनोद जी आपको लगता है कि लालू वाला राजद और तेजस्वी वाले राजद में अंतर है? बिल्कुल, लालू जी सर्वान हमारे नेता हैं, सर्वान रहेंगे जब तक सांस है, लालू जी हमारे नेता रहेंगे और गार्जियन रहेंगे। क्या इनडायरेक्ट में अगर कहा जाए वो जाति का दो कैंडिडेट माना जाए? भाई हम तो आरजेडी है ही है, और कौन आरजेडी हमको क्या मालूम है, वो जनता तय कर चुका है ना। तेजस्वी खड़े हैं लेकिन सरवन कुशवाहा के पीछे जिस तरह तेजस्वी खड़े और मन से कभी उन्होंने कहा, उन्होंने वो बराबर कह रहे हैं कि ए टू जेड की पार्टी है और कुछ लोग नाराज हैं, तो सबकी नाराजगी कैसे? ए जो ए टू जेड में यहाँ आपको अलग बुझा रहे हैं, यहाँ निगाह बढ़िया दौड़ा लीजिए, ए टू जेड नजर आ रहे हैं कि कुछ अलग नजर आ रहे हैं, परिवारवाद नजर आ रहे हैं आप? बढ़िया से है कि कैलकुलेट कर ली। नवादा में आरजेडी के सपोर्टर किनके साथ है, कुशवाहा जी के साथ या आपके साथ है? आप क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिए, पता चल जाएगा। यदि निपक्ष भाव से क्षेत्र का भ्रमण करके यदि जो आप में अच्छी निपक्ष भाव से करते हैं पत्रकारिता, तो आप है कि निकालिए उसको क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ खड़ा है। विनोद जी आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी MOI से अब दूरी बना रहे हैं यादव और मुसलमानों से? बिल्कुल बना रहे हैं, उनको उनका सींचा हुआ पार्टी नहीं है, लालू जी का सींचा हुआ पार्टी है, हमारा परिवार का सींचा हुआ पार्टी है। उनको है कि मतलब जैसे कि जमीन जायदाद पुश्तैनी मिलता है उनको लालू जी का पुत्र होने के नाते उनको कमान सौंप दिया गया है, तो उनको क्या पता है कि हमारा कौन है, अपना है कौन है, पराया है कौन, है हमारा पार्टी के लिए सींचा है कौन, 50 वर्ष से हमारे लिए काम कर रहा है कौन, 20 वर्ष से काम कर रहा है। आप है किसी को जो 30 वर्ष से काम कर रहा है उसको आप है कि एक ही बार गर्दन काट दीजिएगा, और जो पैराशूट से आएगा जिसका कि कोई चाल चरित्र पूरा दुनिया जान रहा है उसको आप है कि एक ही बार है कि अपना सौंप दीजिएगा, तो उसको जनता कभी कबूल नहीं करेगा ना कभी कभी कबूल किया। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी, ऐसे कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट उतार कर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हम नवादा के लिए जीते हैं, नवादा क्षेत्र जनता मालू के लिए जीते हैं, बिहार में और क्या हो रहा है उतना हमें पता नहीं। क्या RJD खत्म होने वाली है? क्या RJD खत्म होने वाली है? RJD को कौन खत्म करेगा? तेजस्वी यादव नए सिरे से पार्टी बना रहे हैं, आप लोग जैसे गार्जियन लालू जी बैठे हुए हैं, लालू जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त। लालू जी ने वीडियो में क्या, आपका टिकट कैसे कट गया? हमारा टिकट कट गया? जब आपने कहा कि गार्जियन लालू यादव बैठे हुए हैं राजद को नए सिरे से नहीं चलने देंगे, तो आपका टिकट किसे कट गया? बाल बुतरू लोग से भूल भुलैया होता है, गार्जियन समझा समझा के अपना देख लेते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष गुस्से में माफ नहीं करेंगे कभी। हम तो उसका जवाब दे ही दिए कि शीर्ष जो है गाड़ी सर सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वो सबको मान होता है, सर्वमान होता है। घर वापसी होगी फिर आपकी? बिल्कुल, फिर लालू जी के पास जाएंगे आप? बिल्कुल।
और दूसरी सवाल किया जाए, दूसरा सवाल किया जाए, कई बार जो मार्च में आप मिले थे उनसे, क्या मार्च में आप मिले थे, आपको भरोसा दिया गया था और टिकट नहीं मिला था, फिर दोबारा प्रयास आपने नहीं किया? जब हमको जनता मालिक ने ही है, खुद है टिकट अपना दे के हमको खड़ा कर चुका है, तो फिर टिकट दूसरे टिकट की कहाँ महत्व रह जाती है? सदैव हमको जनता मालिक ने टिकट दिया है, इतिहास है, 95 भी जनता मालिक ने टिकट देके हमें जिताने का काम किया, इस बार भी जिताने का जनता मालिक का टिकट हमें जब जनता दे चुका है तो किसी और टिकट की कहाँ महत्व रह जाती है? भाई हम अपने निर्णय से खड़ा हुए रहते तब ना हमें कोई मना सकता है, हम रुसल रहेंगे तब ना हमें कोई मना सकता है। जब जनता मालिक का आदेश हो गया कि आपको खड़ा होना है, चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ाई लड़ा जाएगा हम लोग तय करेंगे, तो हमें क्या चाहिए? चुनाव के लिए अब 70 घंटा से भी कम समय रह गया, बिल्कुल। तो अब जो है आपकी क्या रणनीति है वो हम लोग को बता दीजिए, जीत आप कैसे हासिल करें? हरेक प्रखंड वाय, पंचायत वाय और बूथ कमेटी वाय, हर एक जगह कार्य हो रहा है और सारे मुस्तैदी से सभी सेना तैयार है, खड़े हैं नवादा जिला। आखिरी सवाल है, वो आपको बेदखल करना चाहते हैं राजद, आप कैसे रहिएगा? आप बोल रहे हैं कि हम उसी में जाएंगे, वो आपको कल भी अरे भैया उस विचार के पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।